जी नमस्कार, स्वागत है मैं इस नए वीडियो में। आज के इसमें जानेंगे कि अगर आप लोग जो है कृषि इनपुट के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं तो फिर आप लोग जो है ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखते रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी व्यक्ति कृषि इनपुट के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हुए थे तो उन सभी लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और कहाँ पे आपको जो है ये डॉक्यूमेंट जमा करना है, तो आप लोगों को जो है यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहला जो मांगा जाता है वो आप जो कृषि इनपुट के लिए जो ऑनलाइन आवेदन किए हुए थे उस समय आपको जो एक रिसीविंग निकला होगा, जो कि आपको इस तरीका का रिसीविंग होगा। ठीक है, तो ये रिसीविंग आपको जो है यहाँ पे ये रिसीविंग आपको जो है ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है इस मतलब जो है कृषि इनपुट के लिए अप्लाई किए थे तो इसमें जो रसीद अपलोड किए थे, ठीक है, यहाँ पे जो भी रसीद अपलोड किए थे वो रसीद का जो है फोटोकॉपी आपको जो है इसमें लगाना है। प्लस में आपको एक चीज और लगाना है इसमें, जो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीका से, यहाँ पे गेहूं के खेत में जो है आपको खड़े होकर के जो है वहां पे फोटो खिंचाना है, यानी किसान का जो है फोटो, एक जो है कुछ इस तरीका का फोटो लगता है। ठीक है, तो इस तरीका से आपको जो है फोटो निकलवा लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेरे खेत में तो यहाँ पे जो है यहाँ पे गेहूं अभी जो है मतलब जो है बीज अभी बोया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी इसमें जो है बीज जमा नहीं है, तो क्या जो है सिर्फ जोता हुआ खेत है तो उसमें क्या फोटो ले सकते हैं या नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ जोता हुआ होना चाहिए, पड़ता खेत नहीं होना चाहिए, नहीं पानी वाला फोटो होना चाहिए। ठीक है, पड़ता खेत होना चाहिए, अगर सॉरी ये जोता हुआ खेत होना चाहिए, उसमें बीज नहीं लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ इस तरीका से आपको फोटो खिंचवा करके और इसको जो है आपको कहाँ पे जमा करना है। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि अगर आप लोगों का जो है ये रिसिप्ट जो है यहाँ पे अगर आप लोग जो है उस समय नहीं निकाल पाए थे सर्वर प्रॉब्लम के कारण, या आप निकाल भी लिए थे और आपका मिल नहीं रहा है, रिसिप्ट कहीं पे रखा गया है या खो गया है, तो आप लोग जो है इस रिसिप्ट को इस रीजन में आप लोग जो है कैसे आप जो है अपने मोबाइल फोन से या अपने सिस्टम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सिस्टम पे और जानते हैं कि कैसे रिसिप्ट निकला जाता है, उसके बाद जो है निकालने के बाद कहाँ पे आपको जो इसे सबमिट करना है और किस तरीका से जो है सबमिट करना है आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे और इसके सर्च बार में सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है DBT। सिंपल आपको DBT टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे आ जाएगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कुछ इस तरीका से यहाँ पे आ जाएगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीका से आ जाएगा प्रोसेस टू होम पेज। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। फ्रेंड बहुत सारे के फोन में होता है क्या कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये नहीं ओपन होता है, कुछ इरर आ जाता है। तो इरर आ जाता है तो वहाँ पे नीचे में आपको एक एडवांस का ऑप्शन होगा, तो उस एडवांस पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा प्रोसेस टू DBT एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो सिंपली आपको जो इस पे क्लिक करना है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पेज पे आ जाएगा। ठीक है, इस पेज पे जैसे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले तो आपको किसान रजिस्ट्रेशन अपना जो है फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आपको कैसे निकालना है तो सिंपली ये पंजीकरण पे है क्लिक करीजिएगा और सिर्फ पंजीकरण जाने हैं तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कुछ इस तरीका से फिर ये पेज खुल करके आ जाएगा। तो अब जो यहाँ पे बोला जा रहा है रिकॉर्ड खोजे किसी एक को चुने, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है सेलेक्ट पे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर या मोबाइल नंबर के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई सा भी एक चूज कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपल सा आपको जो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे चूज करेंगे, जैसे आधार चूज करेंगे, आधार नंबर या मोबाइल चूज करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करके सिंपली सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो है आपका सारा डिटेल यहाँ पे कुछ इस तरीका से आ जाएगा। तो यहाँ पे पंजीकरण संख्या जो यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर में, तो सिंपली आपको जो है इसे कॉपी कर लेना है या इसे कॉपी पे कहीं पे नोट कर लेना है और नोट करके फिर से आपको जो है आ जाना है इसके होम पेज पे। ठीक है, होम पेज पे जैसे ही आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है अब आ जाना है आवेदन की स्थिति आवेदन प्रिंट। तो सिंपली इस पे आना है और इस पे आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्थिति जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कृषि इनपुट योजना आयास तूफान 2021-22 आवेदन स्थिति, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका रिजेक्ट हुआ या पास हुआ। तो सिंपली हमें अभी रिसिप्ट निकालना है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज करेंगे कृषि इनपुट अनुदान योजना खरीफ 2021 प्रिंट। ठीक है, तो सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन आईडी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी टाइप करने के बाद सिंपली आपको सर्च कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरीका से आपका जो यहाँ पे प्रिंट निकल करके आ जाएगा और सिंपली नीचे आएंगे तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे लिखा होगा और कितना डिसमिल का आप जो है यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं और जो आपका कितना टोटल बिल है, आपको ये भी अनुदान राशि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको जो है क्या करना है, इसे सिंपली आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, प्रिंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर में आएंगे
तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो इसमें सेव का कुछ इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। अगर यही प्रिंट सिस्टम से कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रिंटर का सुविधा है तो आप जो है खुद से ही प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं है वो सुविधा तो आप इसे सेव करके किसी भी साइबर कैफे के पास जाएंगे, वहां से जो है आप प्रिंट करवा करके इसे जो है आपको इतना जो भी डॉक्यूमेंट बताए ये डॉक्यूमेंट ले जा करके, और जो है कहाँ पे आपको सबमिट करना है तो इस डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना है जो आपके कृषि सलाहकार हैं यानी कि किसान सलाहकार, उनके पास जो है इस डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना है, ठीक है। उन्हीं के पास जो है सबमिट कर देना है ये सब सारा डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो है आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा। और फिर मैं आप लोग बता देना चाहूंगा कि आप लोग जो है वहाँ पे थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड आप लोग जो जानते ही हैं कि हर जगह भी घुसखोरी चलता है। अगर नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनुदान की राशि 15,000 है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका आपका भी 15,000 है और सेटिंग वेटिंग नहीं करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे 15,000 है, 15,000 के बदले आपका जो है 3,000, 4,000 या 5,000 से ज्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर वही सेटिंग कर लेते हैं तो इसमें जो है आपका इसमें 15,000 तो नहीं, मतलब 13,000 या 14,000 जरूर आएगा, ठीक है। तो इस तरीका से यही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग जो देख लेंगे और जो है अपना वेरीफाई करवा लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीका से जो है आप ये सब कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं कि आपका रिजेक्ट हुआ या पास हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ बहुत जल्द, इसके बाद वही वीडियो आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।